तो हेलो दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ अपने नए एम आई के एयरफोन्स की अनबॉक्सिंग। आप मैं हूँ मी सिंह, आप देख रहे हैं मेरे चैनल ब्लैक लाइन प्रोडक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जो कि थी एसर जेन फोन मैक्स प्रो M1 की अनबॉक्सिंग, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट का बॉक्स, जिसके अंदर है मेरा एम आई का एयरफोन और मेरे पास है एक ब्लेड जिससे मैं इसको खोलूँगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसके टेप उतार ली है, अब इसको खोलना चालू करते हैं। तो बॉक्स खोलने पे सबसे पहले हमें ये जो चीज़ दिखी है ये है शायद इसका बिल, आप देख सकते हैं इसको। तो ये रहा हमारा MI का बॉक्स। आप देख सकते हैं इस पे ईयरफोन भी बने हुए हैं, इसके पीछे इसके बारे में कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं, आप इसको करीब से देख लीजिए। बॉक्स खोलने पे हमें सबसे पहले मिलते हैं हमारी ईयरफोन्स और उसके नीचे ये रही एक यूज़र गाइड, खोल के देख लेते हैं। अब इसके नीचे एक डब्बा सा बना हुआ है, इसको भी खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। इसमें तो निकल रहे हैं ईयरबड्स। अच्छा सही बात है, हम आगे बोले पुराने वाले खो गए तो नहीं से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्या बात है। तो चलिए इस ईयरफोन को खोल के देखते हैं। तो ये निकल आया मेरे ईयरफोन जो कि मैंने लिए थे सिल्वर कलर के, और ये थोड़े मेरे को टेढ़े से दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे हमारे कान में ढंग से बैठ जाएंगे। हमें ये भी दिख रहा है इसकी जो पिन है ये भी गोल्ड प्लेटेड है, चलिए इसे खोल के भी देखते हैं। ये जो स्टार्टिंग की तार है जो कि पिन से वो डिवाइडर पे खुलती है, ये अलग सी तार है, शायद इसके कारण ये टेंगल फ्री भी रहेंगे। तो ईयरफोन के सामने हमें दिख जाता है L और R लिखा हुआ है, जिसका मतलब लेफ्ट और राइट है। लुक वाइज तो ये अच्छे लग रहे हैं। चलिए इसके माइक को देखते हैं। माइक में हमें सबसे ऊपर वाला बटन मिल जाएगा वॉल्यूम प्लस, बीच में पॉज और नीचे वाला वॉल्यूम माइनस, और इसके पीछे माइक है। तो यहाँ पर मैं इसका टेस्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि कैसा होगा ये। सबसे पहले मैं पबजी खेल के देखूँगा कि मुझे बेस कैसा मिलता है इसका। अब ज़रा गाने भी सुन के देख लिए जाए। तो अभी तक मुझे इसका ओवरऑल बेस तो सही लगा है। चलिए वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस ईयरफोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक ही रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है इसे लेना है या नहीं, पर अगर आपका बजट 700 रुपये और आपको बेस ही पसंद है तो आप इस ईयरफोन को ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट होगा। एक आप काम कर दीजिए कि कमेंट्स में मुझे बताइए मेरी गलतियाँ क्या थी ताकि मैं उनको सुधार पाऊँ। अब चलिए मेरे जाने का टाइम हो गया, तो चलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।